आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में 32 गर्भवती महिलाओं का प्रशिक्षण किया गया। इनमें दो महिलाएं रक्तालाप वाली निकली जिनकी आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाने के लिए सलाह दी गई। इसके अलावा सभी महिलाओं को उचित खान पान रखना तथा प्रसूति के समय निःशुल्क शासकीय परिवहन के लिए 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाने की परामर्श भी दिया गया। आपको बता दें कि गर्भवती महिला अगर नियमित रूप से प्रसव पूर्व परीक्षण कराती हैं, उनकी प्रसव सामान्य होगी, खतरे से बाहर रहेंगी। इसके अलावा उनको नियमित आयरन गोली सेवन की हीमोग्लोबिन का स्तर भी ठीक बना रहता है। अगर कम हो तो यानी 6 ग्राम से 10 ग्राम के बीच हीमोग्लोबिन होने पर आयरन सुक्रोज इंजेक्शन 2 दिन के अंतराल में 3 खुराक बोतल में डलवाकर लगवा दिए जाते हैं तो उनकी रक्त की कमी पूरी हो जाती है। इस प्रकार डिलीवरी के समय उनका ब्लड सामान्य बना रहता है। वर्तमान में शहरी प्राथमिक बूढ़े बालाजी पर प्रतिदिन 2 से 3 गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज की बोतल लगाई जाती है एवं गर्भवती महिला जिसका नाम सरिता हेमंत ने 3 आयरन डोज 8 फरवरी को 3rd डोज लगवा कर ये बताया कि अब मुझे अनावश्यक थकान नहीं होती, न ही चिड़चिड़ापन होता। हीमोग्लोबिन की कमी वाली महिलाओं के लिए ये सुविधा बिल्कुल निशुल्क है। इसकी ना तो बोतल लानी पड़ती, ना इंजेक्शन लाना पड़ता बाजार से। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश शहर जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।